अपना पंजन सबका डॉक्टर मनोज पांडे के प्रणाम। स्वागत है अपना के बिंद के पहले व गहरी स्वास्थ्य चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर मनोज मां। यह बिंद के पहले ऐसा स्वास्थ्य चैनल आए जो उनकी अपना का मुंह से संबंधित सब प्रकार के जानकारी और साथ ही साथ मां स्वास्थ्य संबंधित सामान्य स्वास्थ्य संबंधित सब प्रकार की जानकारी अपना का बघेली भाषा में देते हैं। आज अपना के सामने फिर से हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं। आज अपना का ही वीडियो में हम पांच ऐसा आदत के बारे में बताने वाले हैं जो उनकी जाने अनजाने में छोट लड़का भी जिनके साथ साथ श्याम लोग जो होता वो कहाँ ना कहाँ से उन्हें प्रभावित रहा था, उनका आदत पड़ जाती उन आदत के कारण उनमें बहुत सारी ऐसा तकलीफ हो लगती हैं मुंह से संबंधित या सामान्य स्वास्थ्य संबंधित और वो का बिल्कुल नजरअंदाज करने लगा था, उनका ध्यान नहीं देता ही। तो ये कौन ही पांच ऐसा आदत, चलिए एक बारे में एक एक कह के जानकारी दी थे। देखिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, ऐसे कि यदि अपना यह वीडियो का पूरा देखब तो अपना का यह वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक जानकारी मिलने वाली है। तो इससे अपना पहले सबसे हमारी यह विनती है कि वीडियो पूरा जरूर देखी कहूँ अपना तो उन आदत के शिकार नहीं आए हैं, ऐसे कि वह आदत बिल्कुल अलग से नहीं लागत है, बिल्कुल सामान्य जीवन जैसे हम लोग जीत रहे थे वही मेरे को वो आदत शामिल रहा थी मेरे के जीवन में, लेकिन उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता। तो चलिए अब एक ठुकई के यतन के बारे में जानी थे। सबसे पहली जो आदत होती वह यह है दांत चबाना। हाँ देखिए यह में क्या होता है कि यह जो आदत होती वह छोट लड़कों में होती, बिटियाओं में हो सकती, और जो सियान आदमी होता माँ माने जो समझदार आदमी होता वह में होती। यह माँ व्यक्ति जाने अनजाने में लगातार अपन दांत चबात रहा था, मतलब ताकत से उसका घिसे रहा था। अपना अक्सर इनमें लोगों को देखे हो कि जैसे उनके अंदर मुंह में कुछ है और वो चबात रहा था। कुछ लोगों की आदत या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती कि सोवत रही तब वो उनका दांत आपस में घिसत रहा था। तो यह एक बहुत मतलब गंदी आदत यह है। यह आदत के कारण हमका पचन का बहुत सारी समस्या हो सकती है, जैसे कि चेहरा में जो मसल्स होती है मांसपेशी होती हैं ओमा हमेशा दर्द बना रही जाए। आदमी यह नहीं समझ पाता है कि दर्द का है के कारण है, लेकिन जाने अनजाने में यह आदत के शिकार होने के कारण चेहरा हमेशा दर्द बना रहा थे। एक के अलावा दांत घिस जात हमारा दांतन में ठंडा गर्म लागत है, चूँकि दांत घिस जात हमारा और सुरक्षात्मक आवरण जो इनेमल होती वह हट जाती, तो एक कारण दांत में ठंडा गर्म लागत की शिकायत हो जाती। एक अलावा मुँह खुलबे और बंद करबे माँ तकलीफ हो लगा थी, ऐसे कि दांत से दांत जब ताकत से दबाए रखा था तो जो उन TMJ होती मतलब जहाँ से ये अपना के नीचे वाला जबड़ा ऊपर वाला जबड़ा ज्वाइंट होते हैं कंप्यूटर TMJ कहते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट, यह माँ एक्स्ट्रा फोर्स लागत थे मतलब ज़्यादा ताकत पड़ थी और यहू के कारण मुँह खुलवे बंद होने में तकलीफ हो लगा थी। एक अलावा एक और तकलीफ होती अब वह होते सर में दर्द। अपना अक्सर यह देखे हो कि व्यक्ति यह कंप्लेन कर रहा था शिकायत कर रहा था कि हमारे सर में दर्द हमेशा बना रहा थे, तो कहूँ ऐसा तो नहीं है कि यह सर में दर्द हो के कारण या जो आदमी ज़्यादा ताकत से दांत हमेशा चबात रहा थे दांत में दांत घिसत रहा था पता न हो, तो यह अपना पर इनका ध्यान दे के बहुत ज़्यादा जरूरत थी। अब चलिए बात करिए दूसरा आदत के बारे में। यह आदत यह है एक अहम बचे मेडिकल के भाषा में टंग थ्रस्ट बोली थे या हिंदी भाषा में कही था जीभ जोड़। अपने पर से अक्सर ये देखे हो कि कुछ लड़कियों की आदत होती कि अपने जीवन का दांतन के आगे लगातार ठेलत रहा था दबावत रहा था, इहन जो प्रक्रिया होती इहन का टंग थ्रस्ट कही थे हम बचे या जीभ जोड़ कही थे। वास्तव में यह एक गंदी आदत यह है, यह ज़्यादातर छोट लड़कियों में पाई जाती, ऐसे बहुत ज़्यादा हमारे ओरल कैविटी में नुकसान होते हैं। वह नुकसान कहाँ का है चलिए एक बारे में देख ले। देखिए जब लड़का या बिटिया अपने जीभ से दांत का लगातार आगे ठेलत रहा था तो ऐसे होत का है कि जीभ के द्वारा दांतन में एक अधिक बाहर की तरफ बल लगावा जाता है, तो ऐसे क्या होते कि जब दांत विकसित होते रहा था मतलब दांत निकले के प्रोसेस होती चाहे वो दूध के दांत हों चाहे वो परमानेंट दांत हों तो उसमें बाहर की तरफ एक बल लागत है जोड़ने के कारण जो दांत होते वो बाहर की तरफ निकले लगा था। यह अवस्था में क्या होता है कि लड़कन के दांत बाहर की तरफ निकल जाता और देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा पाए। एक अलावा जब यदि लड़कन का मुंह बंद करके बोला जाए तो उनका पूरी तरह से मुंह नहीं बंद हो पावे, आगे के दांत खुले रहा था। एक अलावा एक प्रकार की जो आदत होती ऐसे एक और समस्या हो जाती और वह है जीभ में छाला पड़ा। जी हाँ यह आदत से जीभ में छाला पड़े की संभावना बनी रहती या ऐसा कह सकती थी कि जीभ में छालो पड़े लगा था। अब चलिए तीसरा आदत के बारे में बात करे थे अवगा या नाखून चबाव। अपना अक्सर देखे हो कुछ छोट लड़कन की आदत होती कुछ सेनहों की आदत होती उनकर काम करत रही बोलत बताते रही उठे बैठी कोनो आदत रही लेकिन उनकर अंगुरी उनके मुँह में हमेशा फंसी रहती
देखिए यह आदत सामान्य रूप से लड़के में तो पाई जाती है, लेकिन यह आदत के शिकार कोनो कोनो सियानो आदमी होता। अपना अक्सर देखे हो कि अपना से बात करते रहे हैं, अपना के सामने बैठे रहे हैं, कोनो काम करते रहे, लेकिन उनको जो अंगुरी होती वो उनके मुंह में हमेशा दबी रहा थी, नाखून इनको बार बार काटत रहा था। तो यह एक बहुत गंदी आदत यह है। देखिए अगर बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन कारण है, यह कह सकी थे यदि कोनो व्यक्ति तनाव में है तो यह आदत ओकर ज़्यादातर मतलब तनाव के कारण आदत अपना सकत है। ऐसे कोनो बालक में यदि कोनो मानसिक तनाव है तो वहूँ से बालक में यह आदत हो जाती जो नाखून का चबाव। अब यह आदत के कारण बहुत सारी ऐसी समस्या होती है, हमारा मुँह से संबंधित होती समस्या, असामान्य स्वास्थ्य संबंधित समस्या होती है। चलिए देखिए थे कौन कौन सी समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले देखिए कि अपना देखो तो कि लड़कन के नाखून में या सांसियानों के नाखून में उंगली में बहुत ज़्यादा गंदगी रहा थी, यहाँ हुआ हाथ लगत रहा था, और जब वो का मुंह में डाल लेता तो वह गंदगी पेट में जाती। तो जब पेट में जाती तो उसे क्या होता है कि पेट से संबंधित जितनी समस्या होती हैं या हो जाती हैं या सामान्य रूप से इन्फेक्शन हो जाते हैं। एक के अलावा नाखून का चबात रहा था, चबा चबा नाखून की उंगली तक का मैंने चबा डाला था, नाखून से उंगली से खून बहने लगा था। एक के अलावा ऐसे का होता है कि दांतों घिसे की संभावना बनी रहा थी और दांत धीरे धीरे घिसने लगा था। मैं जो नसूरों से संबंधित बीमारी होती है जैसे जिंजिवाइटिस वगैरह होगा, तो यह एक एक कारण हो सका थी। तो यह बहुत गंदी आदत यह, यदि अपना के अंदर आदत थी, अपने लड़कन के अंदर आदत थी, तो थोड़ा अपना का ध्यान देने की जरूरत थी। अब चली बात कही थी चौथी असामान्य आदत के बारे में, वह आए मुँह से सांस ले। देखिए मुँह से सांस ले एक लड़कों शिकार होता और सियानो लोगों का शिकार होता मैं, यह बहुत गंदी आदत यह, अक्सर मुँह फार के मुँह सांस लेते रहा था मैं। तो अपना यह देखा हो कि एक एक कारण बहुत सारी समस्या होती है, यू में सामान्य स्वास्थ्य से कारण समस्या हो जाती है, साथ में जो मुंह से संबंधित समस्या होती है वो उत्पन्न हो जाती है। कौन कौन समस्या है चलिए के बारे में देखिए। देखिए जब कोई व्यक्ति मुंह से सांस लेते हैं तो डायरेक्ट बाहर की जो हवा होती है फेफड़ा में जा सकती है, जाते हैं तो ऐसे का होते हैं कि जो वायु में कीटाणु रहता है सीधे फेफड़ा में जाता है, वह इन्फेक्शन कर सकती है। एक अलावा मुँह से बदबू आ की समस्या हो सकती थी, मसूड़न से संबंधित समस्या हो सकती थी, गले में छाला हो की समस्या हो सकती थी, और दांत सड़े की समस्या हो सकती थी। तो यह एक गंदी आदत या यदि आदत ही देखा अपना का संभलने की जरूरत ही आदत से। अब चलिए बात करते हैं कि पचवीं असामान्य आदत कौन आए। देखिए यह आए अंगूठा चूसब। सामान्य रूप से यह आदत जो होती वो छोटी लड़की में पाई जाती, तो यह एक आदत बहुत गंदी आदत या एक ही कारण बहुत सारी समस्या हो सकती थी। और जो सबसे कॉमन समस्या होती वह हमारे दांतन से संबंधित मुंह से संबंधित होती। देखिए जब कोई लड़का अंगूठा का मुंह में डाल के चूसत रहा है तो उसे क्या होता है अंगूठा के द्वारा बाहर वाले दांतन में अंदर वाले दांतन में फोर्स लागत है, एक्स्ट्रा फोर्स यानी ताकत लगावत है। यह फोर्स के कारण दांत जो होता है वो बाहर की तरफ धीरे धीरे निकले लगा था, चाहे वो ऊपर के हो चाहे नीचे के। देखिए यह क्या होता है कि जाने अनजाने में किन जात आदत होती, आदत का आदत यह लगातार बनी रहती है, तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन क्या होता है कि दांत बाहर की तरफ निकले लगा था, मतलब दांत के विकास में यह बाधा उत्पन्न करने लगा था। एक स्थिति ऐसा ना आती थी कि लड़का के दांत पूरी तरह से बाहर आ जाता, मुंह बंद करके में समस्या हो लगा थी या दांत दिखाई लगा था। एक अलावा एक एक कारण देखिए फिर से वही कि दांत हाथ गंदे रहा था, हाथ गंदे होने के कारण मुंह के अंदर जाई तब विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन कह सका थे, मसूड़न से संबंधित बीमारी कह सका था। एक कारण लड़कन में जो सबसे बड़ी समस्या देखे में मिली है वह यह आए कि कुछ लड़कन का कुछ शब्दन के उच्चारण करे में समस्या होती, कुछ ऐसा शब्द होता वहाँ जो उनकी लड़काओं को सही ढंग से उच्चारण नहीं कर पा पाते, यानी बोले की समस्या तक उत्पन्न हो सका थी। तो अपने प्रेम के हम पांच असामान्य आदत बताएं, इनमें कुछ ऐसा आदत होती है जो उनके लड़के के शिकार लड़का शिकार होता, और कुछ ऐसनों आदत हैं जो उनकी जो उनके सियान शिकार होता। तो यदि अपना सियान है ना अपना के अंदर यदि यह आदत ही है तो यह आदत का अपना समझदार हम समझी एक धीरे धीरे बदली, और यदि अपना घर में लड़का हाँ छोट बिटिया हाँ तो वो यदि मेरे को आदत के शिकार हैं तो उनका कोशिश करी कि एक जो साइड इफेक्ट है ना एक कारण जो नुकसान होता है उसके बारे में समझाई बताई और धीरे धीरे आदत बदले के कोशिश करी। अब यह वीडियो का हम एंट्री रोके थे, और जिसन अपना का पता है कि वीडियो के अंतिम में हम हमेशा सवाल ले थे, आज के वीडियो में हम दो सवाल लेने हैं। पहले सवाल है पवन कुमार जी हमसे पूछे ने, देखिए अपना का आंसर पूछे के पहले फिर से रिक्वेस्ट करी थे कि जब अपना पहले सवाल पूछी थे तो स्थान के नाम जरूर लिख दिए, यदि अपना एमपी के बाहर के हैं विंध्य प्रदेश के बाहर के हैं तब दिल्ली बिल्कुल ना समझ पाओ, तब फिर अपना के जवाब खड़ी हिंदी में दे। फिलहाल पवन कुमार का हम यह मानते कि अपना विंध्य प्रदेश के हैं, ऐसे अपना का हम जवाब बघेली में दे। पवन कुमार जी के
यह सवाल है कि जो ट्राई जमाइन न्यूरेलजिया होती है, हमारे एक तो वीडियो अपना देखे रहने ओके बाद कमेंट करें कि ट्राई जमाइन न्यूरेलजिया जो होती सुसाइड डिजीज है का कहता है एकर का इलाज है। तो देखिए यदि अपना से अपना के रिलेशन में अपना के जान पहचान में यदि अपना ही बीमारी से संबंधित अपना कैसे लागत है कि बीमारी हो सका थी तो सबसे पहले अपना का करी कि एक डेंटिस्ट के पास जी का होता है कि एक दिन कुछ लक्षण मिला था वो दांतों की समस्या के कारण वह लक्षण सामान्य रूप से मिला था। तो अक्सर व्यक्ति का करता था कि कन्फ्यूजन में आ जाता कि जो समस्या हम कब है कहाँ दांत के कारण तो ना हुआ। तो जब अपना एक डेंटिस्ट के पास जाब ध्यान रखिए झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं जाए के जरूरत है, डेंटिस्ट के पास जब अपना जाब तो प्रॉपर डेंटिस्ट होकर चेकअप करिए अपना के अपना को बता दें कि समस्या है वह दांत के कारण आए कि कोनो दूसरा के कारण आए। यदि जब क्लियर हो जाए कि नहीं समस्या दांत के कारण ना हो अपना का दूसरा बीमारी आया यानी ट्राइजमाइन न्यूरेलजिया है अपना का, तब भी अपना खातिर बेस्ट दो डॉक्टर हम मतलब ए फील्ड संबंधित वहाँ ही न्यूरोफिजिशियन या न्यूरोसर्जन हमारे एडवाइस में अपना का न्यूरोफिजिशियन या न्यूरोसर्जन के पास गई उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले। देखिए क्या होता है कि एक इलाज के बारे में हमारे थोड़ा सी वीडियो अपना को जरूर देखी या बहुत केसन मत ऐसा होता है कि मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं, बहुत के समय ऐसा होते हैं कि सर्जिकल प्रोसीजर मर जाता है, बहुत एडवांस के समय ऐसा होते हैं कि फिर लंबी सर्जरी करे पड़ते हैं। तो ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सामान्य समस्या को सावधानी रखकर के अपना की जरूरत पड़ी सब अपना का वीडियो मिल गया अपना हमारे वीडियो में जरूर जाके एक बार देखिए। यदि ओके बाद हो कोनो अपना का डाउट हो कोनो क्वेश्चन हो तो उसका कमेंट करिए हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। अब हमें ठीक अपना का खड़े हिंदी में बात कर कारण यह है कि जो ये सवाल मुझसे पूछा गया है वो मुंबई से आया है और लक्ष्मीकांत मिश्रा जी ने मुझसे सवाल पूछा है। मेरे व्यूअर हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं, मेरे सारे वीडियोस को देखते रहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मीकांत जी, आपने सवाल पूछा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका एक सवाल था कोरोना वायरस के ऊपर में, देखिए कोरोना वायरस के ऊपर में मेरे कम से कम 8 से 9 वीडियो आ चुके हैं और इससे जुड़े हुए और समस्याएं होती है इसके बारे में कुल मिलाकर के 8, 9 या 10 वीडियो है मेरे, आप उनको यदि देखेंगे तो मेरी गारंटी है कि आपको पूरा का पूरा कोरोना वायरस के बारे में सब जानकारी हो जाएगी और आपको कोई भी डाउट नहीं रह पाएगा। फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहली बात है कि कोरोना वायरस को हवा नहीं बनाना है, कुछ आप बेसिक चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो इसका इन्फेक्शन नहीं होगा और हो भी गया तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे सामाजिक जो दूरी होती है बना के रखें, मास्क हमेशा लगा के रखें, जहाँ तक ज़रूरत हो सके यदि आपको घर से बाहर ना निकलना पड़े तो ना निकले, साबुन से लगातार या हैंड वॉश से हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग नियमित अंतराल से करते रहें। तो ये कुछ सावधानियां हैं जिनको आप करेंगे तो पहली बात तो संक्रमण होगा ही नहीं, इन केस कभी किसी को संक्रमण हो गया तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। शरीर को जितना ज़्यादा आप गर्म रख सकते हैं उतना गर्म रखेंगे, गर्म पानी पीना है, काढ़ा पीना है, इसके बारे में भी मेरा एक वीडियो है आप उसको देखेंगे कैसे उस काढ़े को आप घर में बना सकते हैं प्रयोग करिए, तो इससे कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। और हाँ सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपको कोई सिम्टम्स कोई लक्षण इससे संबंधित समझ में आता है तो बिना देर किए हुए आपके जो नियरेस्ट स्वास्थ्य केंद्र हो वहाँ पर संपर्क करिए आप और डॉक्टर के द्वारा जो दवाइयाँ बताई जाती हैं उन दवाइयों का सेवन करिए, उनके द्वारा जो चीज़ें बताई जाती हैं उनका पालन करिए। कोरोना कुछ भी नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मीकांत जी। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप आगे भी और मुझसे पूछ सकते हैं, यदि आप आंसर से संतुष्ट हैं तब भी मुझे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को मैं अभी ही रोकता हूँ, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइए। यदि आप लोगों का भी कोई क्वेश्चन है कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करिए, मैं उसका पर्सनली रिप्लाई भी करता हूँ। यदि वीडियो बनाने लायक टॉपिक हुआ तो मैं कोशिश करता हूँ उसके बारे में वीडियो भी बनाने की। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें, जय हिंद।